मेरा नाम केपी जनवा है, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, और साथ ही साथ आप मुझे Instagram और Facebook और Telegram से जुड़ सकते हो। सभी के लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतना अच्छा सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल वैकेंसी होने वाली है, और ये जो वैकेंसी निकल रही है उस टाइप से मुझे लगता है लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकलेगी। राजस्थान के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी निकल रही है, भरमार चल रही है वैकेंसी की, और इस टाइप की वैकेंसी भी अब निकल रही है दोस्तों। तो ऐसे में लगता है कि मुश्किल हो गई थोड़ी परमानेंट वैकेंसी पूरी होने में, पर दोस्तों इस टाइप की वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी। और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी कहीं ना कहीं इस टाइप से नहीं आ जाए, इसलिए दोस्तों पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको क्या लगता है, जो वैकेंसी हैं परमानेंट, क्या ये वैकेंसी पूरी होगी या नहीं होगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें, चाहे वो ANM हो, GNM हो या लैब टेक्नीशियन हो, आप कोई भी कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी GNM ANM स्टूडेंट है या GNM है, उन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और दोस्तों इंतज़ार करते हैं लैब टेक्नीशियन का क्या होता है, क्या उनकी वैकेंसी आएगी या नहीं। ठीक है गाइस, तो वो इंतज़ार हम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है और क्या है, पूरा ही हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है जो NHM के तहत दोस्तों ये वैकेंसी निकली है ANM की, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये आपका जो वैकेंसी जो क्रमांक है वो आपको दिख रहा होगा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 वैकेंसी राजस्थान के अंदर दोस्तों ये संविदा पे भी निकली है और परमानेंट वैकेंसी भी है। अब दोस्तों इसको देखते हुए परमानेंट की थोड़ी आशा कम लग रही है, पर दोस्तों भगवान से दुआ करते हैं वो वैकेंसी पूरी हो इससे पहले। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं और ये वैकेंसी एग्ज़ाम के तहत होगी और इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और हम बात करेंगे टोटल पोस्टों की, तो पोस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा, वही प्रोसेस रहेगी जो आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हो, सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। यहाँ पे वेबसाइट हर एक चीज़ मेंशन की हुई है, आपकी जो एप्लीकेशन ID वो सबमिट होगी। और यहाँ पे अगर मोर और जानकारी के लिए आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर, आप इससे भी संपर्क कर सकते हो। और आपको मेल ID और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है, इनको गलत नहीं करना है। और उसके साथ ही साथ में यहाँ पर शुल्क 400 रुपये रहेगा और जनरल के लिए 600 रुपये रहेगा। ठीक है गाइस, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर शुल्क देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटा जाएगी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी पोस्टें आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे आई थिंक लगभग 2000 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है गाइस, तो 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 2058 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे वैकेंसी है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये जो वैकेंसी है संविदा के ऊपर वैकेंसी है, तो दोस्तों परमानेंट की थोड़ी आशा कम हो जाती है संविदा वैकेंसी को देखते हुए। और फिर उसके बाद में दोस्तों अगर आप में इनमें से कोई भी आपके पास अगर स्पेशल कुछ चीज़ है तो दोस्तों आप इसके अंदर डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और ये वैकेंसी दोस्तों एग्ज़ाम के तहत आपसे एग्ज़ाम होंगे इसके अंदर, और वही एडमिट कार्ड हर एक प्रोसेस वही रहेगी। साथ ही साथ में दोस्तों PDF काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपसे एक ही जो निवेदन करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ में कोई भी मेडिकल से रिलेटेड अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर भी आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं वो है संविदा के अंदर अपना वेतन। ठीक है गाइस, आप नॉर्मली जो किसी भी वैकेंसी के अंदर लगते, चाहे इससे पहले UTP हो गया या किसी RMRS हो गया या किसी भी
कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आप लगते हो तो वहाँ पे काफ़ी कम सैलरी आपकी रहती थी, चाहे वो 6,300 हो या लगभग इतनी रहती। पर दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर ऐसा नहीं है, ये वैकेंसी प्रोसेस होगी, एग्ज़ाम होंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सैलरी है 13,150 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सैलरी आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक है, एक सविता के ऊपर इतनी अच्छी सैलरी एनएम को मिलना काफ़ी बढ़िया, ये आई थिंक ठीक ठाक है। और उसके बाद में हम 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। वही सेम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी जो एएनएम का कोर्स होना चाहिए, ठीक है गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है गाइस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उससे पूर्व दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो इस भर्ती से पहले ख़त्म हो रहा हो और आप उसको भर्ती के अंदर लगाओ, तो वो मान्य नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपकी राष्ट्रीयता, मूल निवास, जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं कंप्लीट, किस साइज से फ़ोटो लगाना है, बैकग्राउंड के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कोई भी पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, आपको सिग्नेचर सही करना है और JPG की फाइल के अंदर आपको अपलोड करना है, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो ई मित्र वाला आपको सब बता देगा, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको टेंशन लेने की जो ज़रूरत है वो है एग्ज़ाम सैलरी की, हमने बात कर ली, सैलरी तो काफ़ी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का भी यहाँ पे दे रखा है 1 घंटे और 30 मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा दोस्तों, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उनके आंसर देना है, और कितने अंक के प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और कैसे काटा जाएगा गलत जवाब पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। उसके बाद में दोस्तों इस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये चीज़ें क्या होती है, जो भी आपका बॉडी से रिलेटेड हो गया, ठीक है गाइस, जो भी न्यूट्रिशन क्या होता है, और हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये आपके सिलेबस के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो ही पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है गाइस। और वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, www.rsm.rajasthan.government.in, ठीक है गाइस, ये वैकेंसी आपको दिख रही होगी, तो ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों ये अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन आता है और हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।